क्या महेंद्र सिंह धोनी आईपीएल 2024 में एक बार फिर से कप्तानी वापस ले लेंगे? हमने पहले देखा था 2022 में जब एमएस धोनी ने कप्तानी दो दिन पहले रविंद्र जडेजा को हैंडओवर कर दी थी और उसके बाद जडेजा का सीजन काफी ज्यादा बुरा गया था। वो 8 मैचेस में कुछ 2 मैचेस जीते थे और बतौर कप्तान नहीं, बतौर इंडिविजुअल भी अगर आप देखोगे तो जडेजा का सीजन काफी बुरा जा रहा था। जो जडेजा आपको लगभग 150 के स्ट्राइक रेट से रन बनाया करते थे, वही जडेजा कप्तान बनने के बाद कुछ 115-117 के स्ट्राइक रेट से रन बनाने लगे थे। फिर उसके बाद जो उनका एवरेज हुआ करता था 46-50 के आसपास का, वो उनका घट करके 22-25 का हो गया था। और उसके बाद जब लगातार डाउनफॉल और डिप डाउन दिखा तो महेंद्र सिंह धोनी ने वापस से कप्तानी ले ली। उसके बाद 2022 गया, 2023 में दोबारा से कप्तानी करी, टीम को चैंपियन बनाया, एक उस टीम को जिसको लेकर के काफी बात हो रही थी कि भाई ये बुड्ढों की टीम है। इसमें आप देखेंगे तो ज्यादा एजेड लोग दिखेंगे, ज्यादा जो एक्सपीरियंस लोग दिखेंगे जिनको यूजुअली आप T20 में कंसिडर नहीं करते हो, और या तो फिर बिल्कुल नए लड़के दिखेंगे जिनका आपने ज्यादा नाम नहीं सुना होगा। जैसे पिछले साल हमने तुषार देशपांडे को देखा था, नए थे, पिछले साल हमने पृथ्वी राणा को देखा था, बिल्कुल नए थे। तो रॉ टैलेंट्स को बुला करके, उनसे परफॉर्म करा करके एमएस धोनी ने 2023 की आईपीएल ट्रॉफी जीत ली। अब उसके बाद 2024 में जो उनका एक्सपेक्टेड लास्ट सीजन है, वहां पर ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि एक बार फिर से एमएस धोनी आएंगे, कुछ तबाही करेंगे, लेकिन आने से पहले ही एमएस धोनी ने एक बड़ा सा बम फोड़ दिया और कह दिया कि जी मैं अब कप्तान नहीं हूं, अब कप्तान ऋतुराज गायकवाड हैं, नए कप्तान, यंग कप्तान। और काफी अच्छा सीजन रहा है लगातार ऋतुराज का, और हमने देखा है किस तरह से हर बार ऑरेंज कैप की लड़ाई में शामिल रहते हैं, रन बनाते हैं, और शुरुआत से ही जो CSK है उसकी कमान संभाल कर रखते हैं। पिछले बार वो डेविन कॉनवे के साथ ओपन कर रहे थे, इस बार वो रचिन रविंद्रा के साथ ओपन कर रहे थे और कुल मिलाकर अच्छे दिखते थे। जब से उन्हें कप्तान बनाया है उनकी परफॉर्मेंस डिप डाउन हो गई है, सेम लाइक रविंद्र जडेजा। परफॉर्मेंस अगर आप इस आईपीएल की देखेंगे, आईपीएल 2024 की, तो सबसे ज्यादा रन जो आए हैं वो 46 रन आए। अब आप सोचो, वो खिलाड़ी जो ऑरेंज कैप का हकदार माना जाता था, अगर उसकी अचानक से परफॉर्मेंस डिप डाउन हो जाएगी तो उसके रीजंस के बारे में बात होगी, और उसका एक रीजन कप्तानी जरूर हो सकता है। हालांकि हमने देखा है एमएस धोनी को कि वो कप्तानी करते रहते हैं मोर ऑर लेस, मतलब फील्ड सेटिंग करते रहते हैं, थोड़ा ऋतुराज से बात करते रहते हैं, और काफी बार ब्रेक्स में हम देखते हैं कि स्टीफन फ्लेमिंग जो कोच हैं इस टीम के, वो आकर के एमएस धोनी के साथ बैठते हैं, मतलब एमएस धोनी से बातचीत करते हैं स्ट्रेटेजिक टाइम आउट के दौरान, लेकिन उस बीच में कभी ऋतुराज इनके साथ होते हैं, कभी नहीं होते हैं। तो माना ऐसा जा रहा था कि धोनी ने ऑफिशियली कप्तानी तो हैंडओवर जरूर कर दी है, लेकिन जिम्मेदारी अपने ही कंधों पर रखी है और डिस्कस करके ही चीजों को वो इम्प्लीमेंट करते हैं। लेकिन बाद में धोनी ने एक दो बार खुद भी बोला है कि अब हमारे पास नया कप्तान है और वो अपने हिसाब से चीज़ों को चलाता है, और मुझे अच्छा लग रहा है ये देख करके। तो अब जब रिजल्ट की बात आती है, 2 बैक टू बैक मैचेस आप हार जाते हो और वो भी घर से बाहर। आपने 2 मैचेस चेपुक में खेले, आप जीत गए, लेकिन जैसे ही आप घर के बाहर निकले आप दोनों मैचेस हार गए। तो अब सवाल ये आ रहा है कि क्या जिस तरह से रविंद्र जडेजा से कप्तानी ले ली थी एक फेलियर के बाद, एक डिप डाउन के बाद, क्या उसी तरह से ऋतुराज से भी कप्तानी ले ली जाएगी? क्योंकि धोनी का ये आखिरी साल है और फैंस चाहेंगे कि ये साल बिल्कुल मेमोरेबल हो जाए, और कहीं ना कहीं धोनी खुद भी ये बात चाहेंगे कि एक मेमोरेबल सीजन रहे। और जैसा उन्होंने कहा है कि वो अपना लास्ट मैच चेपोक में खेलेंगे और फाइनल्स चेपोक में है, तो CSK की टीम जरूर चाहेगी कि IPL के फाइनल में पहुंचे, लेकिन अगर इस तरह के मैचेस होंगे तो बहुत मुश्किल लग रहा है CSK का फाइनल में जाना। तो खैर, आपको क्या लगता है, क्या यहाँ से ऋतुराज से कप्तानी लेकर के एक बार फिर से एमएस धोनी को कप्तान बन जाना चाहिए, या फिर धोनी को बैकएंड में रह करके ऋतु को सपोर्ट करना चाहिए और जहां पर उन्हें लग रहा है कि ये गलती हो रही है उसको वहीं सुधारना चाहिए, सो दैट आगे आने वाले सीजन में जहां पर एमएस धोनी इस टीम का हिस्सा नहीं रहेंगे, एटलीस्ट प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं रहेंगे, वहां पर ऋतुराज इस चीज को एज एन एक्सपीरियंस और एज एन लर्निंग लेकर के आगे बढ़े, सो दैट वहां एमएस धोनी की कमी ना खले। खैर, आपको क्या लगता है अपने राय में जो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर दें।